जी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे लिंक शेयर किया है और उनका नाम है अहमद शाह। उन्होंने मुझे बोला है कि मैं इस वीडियो पे जरूर रिएक्ट करूँ। इस वीडियो का टाइटल है ब्यूटीफुल कुरान रेसिटेशन बाय अ बांग्लादेशी मैन। तो एक बांग्लादेशी बंदा है जिन्होंने कुरान को पढ़ा है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि वो बांग्लादेशी बंदा कौन है और ऐसा क्या है कि इस वीडियो के टाइटल में लिखा गया है ब्यूटीफुल कुरान रेसिटेशन बाय अ बांग्लादेशी मैन। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। আর কি খাবেন? লা তাখুযুহু সিনাতু ওয়া লা নাওম লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ মান যা আল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহি ইয়ালামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়া মা খালফাহুম ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء واسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين حتى بين الرشد فقد استنسك بالعروة الوثقى لن نساء ما لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجونهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم तो ये एक बांग्लादेशी बंदा है जिन्होंने कुरान रेसिटेशन किया है और ये बहुत ही अच्छे से किया है, नो डाउट। बट आई एम सरप्राइज कि पता नहीं कि उन्होंने वुजू किया है या नहीं। जहाँ तक मुझे पता है कि जब नमाज अदा करनी होती है तब तो इट्स मैंडेटरी कि सब लोगों को प्रॉपरली वुजू करना पड़ता है और अगर पानी नहीं है तो वो लोग सैंड से भी अपने वुजू कर सकते हैं और उसके बाद में नमाज अदा कर सकते हैं। बट ऐसे ही कुरान को ऐसे रोड साइड पे खड़े होके और वो बंदा, तो मुझे लग भी नहीं रहा कि उसने वुजू किया होगा या नहाया धोया होगा। तो आई डोंट नो कि शायद हो सकता है नहाया हो, बट मैं वैसे ही बोल रही हूँ। बट उनकी जो द वे ही रिसाइट द कुरान, वो जो कुरान की प्रॉपर आयत उन्होंने रिसाइट की है, बोली है, पढ़ी है, वो बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने पढ़ा है, नो डाउट। कुरान की खूबसूरती तभी इन्हेंस होती है जब उसको प्रॉपरली रिसाइट किया जाता है, जो कि इन्होंने भी बहुत अच्छे से किया है। बट इसमें मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी थी कि जो साथ में उनके एक बंदा खड़ा हुआ था वो कॉन्टिन्यूसली उनको इंटरप्ट कर रहा था बीच में, एंड ही वॉज जस्ट लाफिंग, ही वॉज स्माइलिंग एंड ही वॉज ट्राइंग टू से समथिंग। ऐसा तो नहीं है कि वो उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था, वो हंस ही रहा था बंदा।
जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, वो बंदा चाहे रोड पे रोड साइड पे खड़ा होके कुरान रिसाइट कर रहा है या जो भी है, उस बंदे को इन बिटवीन उसे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था। बिकॉज कोई भी होली बुक जब पढ़ी जाती है, चाहे वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के अंदर में पढ़ी जाए, चाहे कोई उसे बाहर पढ़ रहा है, उस टाइम पे किसी दूसरे शख्स को मैं फील करती हूँ कि जो कुरान पढ़ रहे हैं या कोई भी होली बुक जो इंसान पढ़ रहा है, दूसरे शख्स को उस शख्स को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। जब पूरा आपकी आयत कंप्लीट हो जाए, जो उन्होंने कुरान पढ़ा है जब वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में वो अगर उनसे कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो वो बाद में कर सकते हैं। जो साथ में शख्स खड़े थे वो मुस्लिम ही थे, क्योंकि उन्होंने टोपी लगाई थी और कुर्ता पहना हुआ था। वो कॉन्टिन्यूसली उनको बीच बीच में कुछ इंटरप्ट कर रहे थे, कुछ रोक रहे थे या कुछ कहना चाहते थे, अरे जो भी कहना है बाद में कह दो ना। ये है इस वीडियो में जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, बट सबसे खूबसूरत बात है कि उस बंदे ने बहुत ही खूबसूरती के साथ में कुरान को रिसाइट किया। मुझे नहीं पता उन्होंने वुजू किया था कुरान पढ़ने से पहले या नहीं, और ये जो बंदा है वो रोड साइड पे ऐसे ही घूम घूम के कर रहा था। बट जब प्रे किया जाता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, तो आई बिलीव, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो कि उस चीज़ को कितने लोग मानते होंगे, बट मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, जब भी हम किसी होली बुक को पढ़ते हैं हम लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। एक कि हमारे शूज़ या चप्पल नहीं पहना हुआ होना चाहिए हम लोगों को, और दूसरा हम लोगों को एक अच्छे शांति वाली जगह में बैठ के उसको प्रेयर को परफॉर्म करना चाहिए। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में प्लीज़ कॉमेंट में लिखिए। और आज की मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, बाय बाय।